नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने फिर से देश और दुनिया की खबरों को शामिल किया है, तो आपसे सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक तो जरूर ही देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज की इस मुख्य खबरों में हम जानेंगे WHO ने क्यों की आज भारत की तारीफ, टोक्यो ओलंपिक अब नहीं होंगे 2020 में, चाइना में आ गया है नया वायरस जिसका नाम है हंता, मोदी सरकार ने किया जनता के लिए चार बड़े ऐलान ताकि कर्फ्यू में मिल सके राहत, भारत में IPL नहीं होंगे, BCCI को 2000 करोड़ का नुकसान, इस साल नहीं बिक रहा सोना, बिक्री 40% तक घट चुकी है। दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को आज हम जानने वाले हैं और इसी के साथ और भी बहुत सी खबरें आज हमने इस वीडियो में शामिल की हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक तो देखिएगा ही। दोस्तों आज WHO ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि महामारी से कैसे लड़ना है, ये बात भारत अच्छी तरह से जानता है क्योंकि चेचक, पोलियो जैसी बड़ी महामारियां भारत ने पहले से ही झेल रखी हैं और इस महामारी को न सिर्फ झेला है बल्कि उन्हें कंट्रोल भी किया है और पूरी दुनिया को इसकी जानकारियां भी दी हैं। वहीं इस आपदा से भी भारत ही दुनिया को रास्ता दिखाता रहा है और भारत के लॉकडाउन को भी WHO ने काफी सराहा है। चलते हैं आप अगली बड़ी खबर पर, ये खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। दोस्तों आज ओलंपिक 2020 कैंसिल करने का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे और भी बहुत से बड़े देशों ने ओलंपिक में आने से मना कर दिया था क्योंकि COVID-19 के फैलने के कारण इस ओलंपिक पर खतरा पहले से ही मंडरा रहा था, जिसकी पुष्टि आज टोक्यो में हो चुकी है और आपदा के कारण ये ओलंपिक 2020 में नहीं होगा और 2021 तक के लिए इस ओलंपिक को स्थगित किया गया है। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर, यह खबर चाइना से जुड़ी हुई है। दोस्तों जहां इस आपदा ने एक पूरी दुनिया को परेशान करके रख रखा है, वहीं एक और आपदा चीन में जन्म ले चुकी है जिसका नाम है हंता, और दोस्तों ये भी एक नया वायरस है जो चूहों से फैलता है और ये नया वायरस अब चीन में आ चुका है जो इस आपदा से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जानवरों को खाना चाइना में अभी बंद नहीं हुआ है जिसका परिणाम ये दूसरे वायरस ने आज दे दिया है। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये खबर भारत से जुड़ी हुई है। जहां दुनिया के सभी दूसरे देशों में जनता के लिए भारी छूटें दी जा रही हैं, वहीं भारत सरकार ने भी आज जनता के लिए चार बड़ी छूटों का ऐलान किया है जिसमें आप किसी भी ATM से अब पैसे निकाल सकते हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आने वाले 3 महीनों तक नहीं लगेगा। वहीं अगर आपके खाते में पैसे कम है तो भी आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। वहीं रिटर्न फाइल की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है और पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर भारत सरकार से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों भारत सरकार ने आज ऐलान कर दिया है कि हम 14 अप्रैल तक अपने पूरे देश में कर्फ्यू लगा रहे हैं। हालांकि भारत की मोदी सरकार ने इसे कर्फ्यू न बोलकर लॉकडाउन का नाम दिया है, लेकिन ये कर्फ्यू ही है और जनता को अब घर से बाहर निकलने की कोई इजाजत सरकार की तरफ से नहीं है, और इसलिए आपसे भी यही निवेदन है कि इस कर्फ्यू को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाइए और जितना हो सके अपने घर पर ही रहिए। हालांकि चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर सोने से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, सोने ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। जहां भारत में अब लोग सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं और इस साल सोने की बिक्री करीब 40% तक घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शेयर मार्केट में सोने की बहुत डिमांड चल रही है। भारत ने पिछले साल 690 टन सोना खरीदा था, तो इस साल 470 टन से कम सोना खरीदने की उम्मीद अभी एक्सपर्ट लगा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के करीब 13,000 लोग दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, और दोस्तों अब तो अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण से 13,000 लोग दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि उन्हें हम जल्द ही वापस अमेरिका में लाने की ओर सोच रहे हैं और इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, जहां 1600 केस अब तक इजराइल में सामने आ चुके हैं, तो वहीं खुशी की खबर यह है कि नेतन्याहू ने अपने विरोधी बेनी गेट्स को बोला है कि आप आए और एक यूनिटी की सरकार बना दे ताकि लोगों का भला हम मिलकर कर सके, क्योंकि अभी इस तीसरी बार हुए इलेक्शन में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है
और इसीलिए मिलकर सरकार बनाए और इस आपदा से मिलकर लड़ सकें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर चाइना से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक और नया वायरस आया है तो वहीं अब इस वायरस से जो पहले वाला वायरस था कोरोना, उससे निजात अब वुहान शहर को मिल गई है। दोस्तों वुहान शहर इस वायरस का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी इस वायरस से निजात चाइना ने आखिरकार पा ही ली है। और इस वुहान में ही करीब 5 दिनों से सिर्फ एक ही मामला सामने आया है और बहुत जल्द चाइना अपनी पटरी पर भी लौट रहा है। और अब लोग अपने घरों में तो जा ही रहे हैं और इसी के साथ फैक्ट्रियां भी बहुत जल्द चाइना में खुलने लगी हैं, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनका जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने कड़े प्रतिबंध लगाकर ही इस वायरस को जीता है। और दोस्तों उनका यही इशारा था कि चाइना ने जिस तरह कड़े प्रतिबंध लगाकर अपने लोगों को घर में रखा था, उसी हिसाब से अब भारत में भी प्रतिबंध लगाकर इस वायरस को हराना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगे हमें लाइक और कमेंट करके तो जरूर ही बताइएगा।